हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इटरी एक्सप्रेस। काफी टाइम के बाद मुझे आप देख रहे होंगे। थोड़ी गुलन हो गया वीडियोस, तो अभी आगे से रेगुलरली आपको मेरे रेसिपीज देखने को मिलेंगे। आज हम बनाने वाले हैं पैन फ्राइड नूडल्स। एक वेजिटेरियन डिश है एक्चुअली। आप चाहो तो इसको चिकन या फिर ऑमलेट, एग का ऑमलेट बना के भी आप इसमें ऐड करके भी आप पैन फ्राइड नूडल्स बना सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे दो लोगों के लिए नूडल्स लिया है। पानी गर्म हो गया ऑलरेडी, अब हम इसको बॉईल कर देते हैं नूडल्स को। तो मैं बॉईल करने रख रही हूँ नूडल्स को, पानी गर्म है। आप कोई भी नूडल्स ले सकते हो आपके पसंद का। मुझे जो मार्केट में मिला है वही मैंने लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ताकि नूडल्स आपस में चिपके ना। नूडल्स को बॉईल होने में 10 टू 15 मिनट्स लगेगा, तब तक हम जो सब्जी है वो काट लेते हैं। चलो, जो पैन फ्राइड नूडल्स के लिए जो वेजिटेबल्स हैं वो हमको थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन चाहिए, कैप्सिकम आपका पसंद का कलर का कोई भी चलेगा, कैबेज चाहिए, कैरेट एंड थोड़े से बीन्स। अगर आपको स्पाइस ऐड करना है तो आप इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हो एंड अदरक और लहसुन भी हमें इसके साथ चॉप करना है। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे वेजिटेबल्स मैंने चॉप करके रेडी कर दिया है। इसी तरह लंबा लंबा आप काट के रेडी कर दीजिए। और मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन ग्रेट किया हुआ है एंड चिलीज भी चॉप कर दिए। अगर आप स्पाइस पसंद नहीं करते हो तो प्लीज चिलीज ऐड मत करना। पैन गरम हो गया है, अब हम इसमें ऑयल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पहले सूपी, जो पैन फ्राइड नूडल्स का जो सूप है वो हम बना रहे हैं। तो आओ चलो स्टार्ट। मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून जितना ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो वेजिटेबल ऑयल भी ऐड कर सकते हो। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें चिलीज और अदरक और लहसुन ऐड कर लेते हैं। अदरक और लहसुन फ्राई हो गया है, अब हम इसमें जो भी सब्जी हमने चॉप करके रखा है वो ऐड कर लेते हैं। इसे हमें अच्छे से सॉटे कर लेना है। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं स्वाद अनुसार। हमने ऑलरेडी नूडल्स में नमक ऐड किया है तो उस हिसाब से आप ऐड कीजिएगा नमक। और इसे अच्छे से फ्राई होने के लिए सॉटे होना है, जस्ट हल्का सा, ज्यादा भी हमें इसे पकाना नहीं है। अब हम इसमें पेपर भी ऐड कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी ग्रीन चिलीज ऐड किया है। एक्चुअली हम सॉस में
ग्रीन चिली पेस्ट ऐड नहीं कर रहे, ग्रीन चिली सॉस ऐड नहीं कर रहे, इसलिए हमने ग्रीन चिलीज इसमें ऐड किया है। अब आपको अगर और स्पाइस चाहिए तो आप इसमें ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। मैं नहीं ऐड कर रही इसलिए मैंने ग्रीन चिलीज ऐड किए हैं। इसमें हम पेपर स्वाद अनुसार जितना स्पाइस आपको पसंद है उस हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सब्जी को हमें ज्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा बाइट आना चाहिए सूप में, ताकि हमको जब भी हम एक एक जो बाइट स्पून का बाइट लेंगे तब हमें फील होना चाहिए उसका क्रिस्पीनेस, इसलिए हमें इसे हल्का सा सॉटे करना है। अब हम वेजिटेबल्स को 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद हम सॉस ऐड करते हैं। इसमें वेजिटेबल सॉटे हो गया है, अब हम इसमें सॉस ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। वन टेबल स्पून जितना हम चिली सॉस ऐड कर लेते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। अब जितना सूप ही चाहिए आपको उस हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने टेस्ट किया है अभी तो थोड़ा हल्का सा मुझे स्पाइसी कम लग रहा है, इसलिए मैं रेड चिली सॉस थोड़ा और ऐड करी हूँ, हाफ टेबल स्पून जितना। आप अपने स्पाइस के हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम इसमें कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर है वो मैंने ऑलरेडी रेडी करके रख दिया है। इसमें मैंने 2 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लावर ऐड किया है और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके ऐड करके रख दिया है। आपको जितना थिक चाहिए आपका सूप उतना आप इसको ऐड कीजिएगा अपने सूप में। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर का जो मैंने मिक्सचर रेडी करके रखा है वो मैं ऐड कर रही हूँ। मुझे ज्यादा थिकनेस नहीं पसंद है इसलिए मैं कम ऐड कर रही हूँ। आपको अगर ज्यादा थिकनेस चाहिए तो आप इतना जो 2 टीस्पून जितना मैंने ऐड करके रखा है वो पूरा आप ऐड कर सकते हो। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एंड 1 मिनट जितना हम कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। मैं सूप रेडी हो गया है। अब हम इसमें स्प्रिंग ऑनियंस है वो लास्ट में ही हमें ऐड करना है। अगर आप इसे पहले ऐड कर दोगे तो ये काफी गुई गुई हो जाएगा, तो इसलिए हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं ताकि इसका क्रंचीनेस हमको हर एक बाइट में मिलना चाहिए। हमारा सूप वहां पे कुक हो रहा है, हम मैंने सिम में इसको कुक होने के लिए छोड़ दिया 1 मिनट के लिए। तब तक हम दूसरा पैन रख दिया है, उसमें हम नूडल्स को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई मतलब डीप फ्राई नहीं करना है आपको, शैलो फ्राई करना है। उसके लिए ऑलरेडी हमारा पैन गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं। उसे 3 टेबलस्पून जितना ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप अगर वेजिटेबल ऑयल ऐड करना चाहते हो तो वेजिटेबल ऑयल भी आप ऐड कर सकते हो।
नूडल्स को हमें 3 से 5 मिनट के लिए इसी तरीके से पैन में आप फैला दीजिए ताकि इसका जो बेस है अच्छे से फ्राई हो जाए, क्रिस्पी हो जाए एंड ऊपर से एकदम सॉफ्ट रहेगा। इसे हम 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। हमारे नूडल्स एकदम नीचे से क्रिस्पी हो गए। अब हम इसे सर्व करने के लिए सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। नूडल्स हमने प्लेट में निकाल दिया है। अब हम इसके ऊपर से जो हमने सूप रेडी करके रख दिया है उसे हम सर्व कर देते हैं। ये रहे हमारे पैन फ्राइड नूडल्स। काफी सिंपल रेसिपी है, जल्दी बन जाता है और बच्चे भी इसको काफी पसंद करेंगे। चलो फिर इसको टेस्ट करके देखते हैं। हम इसे फर्स्ट अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। काफी सूपी, बहुत ही जोरदार स्मेल है गाइस। गरम है सुपर। अगर आपको ये ट्राई कीजिए इसे अपने घर में और पसंद, काफी सीरियसली आपको बहुत पसंद आएगा इस ये पैन फ्राइड नूडल्स। आपके बच्चों को भी बहुत पसंद है क्योंकि इसमें काफी वेजिटेबल्स है। आप चाहो तो इसमें ब्रोकली, मशरूम्स भी ऐड कर सकते हो। और अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है तो प्लीज आपका पसंद का नॉन वेजिटेरियन भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपको मेरे रेसिपीज पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए एंड लाइक करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए गाइस, तो ही आपको मेरे रेसिपीज देखने को मिलेगा। एंड कमेंट करना ना भूलिए क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी रेसिपीज आप तक कैसे पहुंच रहे। थैंक यू गाइस आपके सपोर्ट के लिए, और इसी तरीके से मुझे आप सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, मुझे इसको कम्प्लीट करना है अभी। बाय।